वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप लोग सब कैसे हैं? हम लोग आ चुके हैं वॉक से और इस समय देख रहे हो पसीने का लेवल बहुत ज्यादा है। गर्मी जो है इस समय गाजीपुर में बहुत ज्यादा है। तो गाइस ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज का ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि ब्लॉग में बहुत सारी मस्ती होने वाली है मम्मी के साथ, दीक्षा के साथ। तो गाइस इस समय तो बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। आपको बताना कि आपको वहाँ गर्मी कितनी हो रही है, क्योंकि इस समय गाजीपुर का टेम्परेचर अराउंड 42-44 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और आपके वहाँ आपके सिटी में क्या टेम्परेचर है जरूर बताना कमेंट में। तो अभी ये मम्मी ने मुझको नया डंडा दिया था, क्योंकि ना गाइस यहाँ पर बंदर का अटैक रहता है तो उनको उनसे बचने के लिए। गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह एक चैलेंज होने वाला है जो कि हस्बैंड जी ने बताया था। अभी बताती नहीं हूँ, दिखाती हूँ, तो आप लोग भी देखना। तो पहले मम्मी से भी गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। आपकी सब तारीफ करते हैं तो उनको थैंक यू बोल दो। थैंक यू, थैंक यू सो मच, जो मेरे से इतना प्यार करते हो। उनके लिए नमस्ते, और आशीर्वाद आशीर्वाद। और गुन्ना गुड मॉर्निंग, तेरे भी बड़े फैन हो रहे हैं आजकल। और हीरा हीरा देख ले, गुड मॉर्निंग। पापा जैसे बोलते हैं वैसे गुड मॉर्निंग। आप नहीं बोल पाए, मम्मी बोल। मम्मी पापा गुड मॉर्निंग कैसे बोलता है? पापा की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं सच में। तो गाइस ये है 3 किलो का तरबूज। बोलते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा भारी थोड़ा होता होगा। तो मम्मी आज उसको दिखाया जाए कि क्या होता है प्रेगनेंसी में। आज ये करेंगे 20 रोटी। मम्मी नाश्ता नहीं बनाया हम लोग ना, आज नाश्ता तो हस्बैंड जी बनाएंगे। क्या तो कुछ ज्यादा लटक गया नीचे ऊपर। क्या करो? देखा लगा ये तो बहुत भारी हो रहा है। बुनी खाने आ गया था रोज खाने। बुन पापा की हेल्प कर। अब बताओ, और आप ऐसे उठ नहीं सकते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है पेट के ऊपर कुछ रखा हुआ है। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था, मैं ऐसे टेस्ट करना चाह रहा था कि मतलब कितना प्रेशर पड़ता है पेट में। बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मैंने भी देखा, मतलब मेरे ऊपर ऐसा लगता है कि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। रूम में मजा आ रहा है। इसको क्या हो रहा था कि मैं तरबूज खाऊंगा? नहीं जिंदर ऐसे ऐसे सोना होगा ना? ना ना ये थक नहीं जाओगे? अभी तरबूज करो। अच्छा इधर किस गए? मजा आ रहे? ऐसा टफ काम है यार। तू फिर चलो वॉक करो, स्पीड में वॉक करो यार। स्पीड स्पीड में फिर तो पूरे दिन कर लोगे? पूरे दिन हार गए? 5 मिनट में हार खाओ। पसीने छूट गए यार इनके, देखो मम्मी। ये भी मत करो। देखो मैंने हार मान लिया। 5 मिनट में हार गए। 5 मिनट में टफ टास्क था। मतलब मैं सारी लेडीज को सैल्यूट करूंगा। मतलब आज मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया। मतलब एक बच्चे को आप इतने पेट में रख के इतने दिन के लिए आपको रहना है, और आपको इतने प्रोटेक्शन के साथ रहना है, प्लस सारी चीज़ सारे काम भी करना है। नहीं तो हालत खराब हो गया होगी गाइज। देखो देखो मुझे यार तुम पे अच्छा लगता है यार। तुम इतनी तुम कैसे कर रही हो यार? देखो तुम तो इतनी मासूम थी, और एक माँ के लिए बहुत टफ होता है ना ये सब चीज़ करना। अब प्यार है। जब जब क्या करें, जब इंसान को इधर करो
तो गाइस कहता है ना, जब इंसान को फील होता है तब असलियत पता चलती है। आप लोग भी अगर समझ रहे कि आपकी वाइफ इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो एक बार तरबूज लगा के आप भी देखना। 3 किलो का तरबूज था गाइस, पेट में अजीब सा दर्द हो गया। मम्मी यार थैंक यू यार, आपने मुझको इतने 9 महीने पेट में रखा हो, कैसे मुश्किल में। आप तो और टफ कंडीशन में रहती थी, पहाड़ों में जाती थी और सुविधा भी नहीं होती थी, उसमें सुविधा भी कोई नहीं होती थी, कैसे आपने मुझको रखा है मम्मी बताओ। और आप इतनी छोटी भी और थैंक यू। आपको आज गाइस हमारे घर में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बता दो। यस, असली वाला आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल आया है, तो शायद मेरे बाल आ जाएं। तो गाइस आएंगे नहीं, अगर बाल आएंगे तो हम लोग जरूर बताएंगे, तो आप लोग भी लेना। नया वाला कुर्ता पहन लिया है जो कि हम दोनों मैचिंग 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 कर रहे हैं, और कैसे लग रहे हैं जरूर बताना। देखो मम्मी ने नहा लिया है, पर मैंने एक दिन पहले पहनी है, तो इसलिए मैं नहाऊंगी तो ये चेंज हो जाएगी, इसलिए सुबह सुबह वीडियो बनाया। और मैं लिपस्टिक चेंज कर दी हूँ, मैं लिपस्टिक लगा ली है, मम्मी तो नहा के आई ना, तो मैंने सोचा यार मैं कुछ ज़्यादा गंदी दिख जाऊंगी मम्मी के सामने, इसलिए लिपस्टिक लगा के आ गई। हम दोनों की ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, क्योंकि मैंने ये ली थी तो मम्मी ने बोला कि मुझे बहुत पसंद आ रही है, ये कॉटन में हल्का हल्का कलर भी बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए भी यही मंगा दे, सेम जो लास्ट टाइम रिटर्न किया था ना, तो मम्मी ने बोला कोई पसंद मत कर तो यही मंगा दे। आपको कैसे लगे हम दोनों? अच्छा मम्मी को ज्यादा लगे तुमसे? हाँ तो मम्मी तो मम्मी होती है, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है ना, कॉटन वाला सेम ही है कपड़ा, तो गाय के कपड़ा बहुत अच्छा है कॉटन वाला, तो मम्मी को बहुत पसंद आई थी ना। तो मम्मी देखो आपके चेहरे पे थी वो आ रही है धूप। तो अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं भी नहा लेती हूँ, और मुझे मॉर्निंग में भी वीडियो एडिट करनी पड़ती है, मिनी व्लॉग डालना पड़ता है, ये सो जाएंगे अभी थोड़ी देर के लिए, मम्मी अपना पूजा पाठ करेंगी, फिर उसके बाद 7:30 बजे के अप्रोक्स में नाश्ता बनाएंगे, और मम्मी आज चने सुबह सुबह ही बॉयल कर दिए थे, आराम और बस। अब मम्मी कह रही मुझे जाने थे, मेरे बाल गीले हो गए हैं देखो पीछे से पूरी तरह। चलो मम्मी फिर गई, मम्मी यहाँ पे सुबह सुबह मैं वीडियो एडिट कर रही, यहाँ किचन में आई तो देखा मम्मी यहाँ हलवे की तैयारी कर रही है, देखो तो यहाँ पे चने बॉईल हो गए, मम्मी प्याज और टमाटर कट कर दिया, और फिर मैं इसको बना दूंगी और जल्दी से ऑडियो ऐड कर देती हूँ। हर हर महादेव। है कि अभी बजने 9 मॉर्निंग के 9, और तो मम्मी ने बनाया आज हलवा जो कि ये सामने आपको दिख रहा होगा, और साथ में सब्जी है, और उसके अंदर है ये रोटियां, और दीक्षा को इस समय हलवा खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हलवा सामने वाले बनाया होगा, पास से देखो और बैठना टेस्ट दी, पास जाके बैठ गया देखिए, आराम से वहाँ से क्या कर रहे हैं हम तीनों आज पड़े हुए हैं नीचे, मम्मी अच्छा ना पंखे नीचे, ये पंखा ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सो जा बेबी सो जा, आंगरे पंख पापा कुछ बोल तो दो, आई लव यू गोविंदर पापा। पापा आ गए, अपने फ्रिज में दिया यहाँ हल्दी है इसकी, एक नोटिंग किया ना इसके भी वहाँ पे, एक है नाटक कर रहा है, गरम टिफिन में देखो जो लाया हूँ, क्या लाए हैं देखो टिफिन में क्या लाए हैं, एक ही आदमी का ही लग रहा है मुझे। कचौड़ी, ओ थैंक यू बेबी। तो गाइस आज बनी हमारे घर भिंडी, क्योंकि मम्मी लोग वाली भिंडी नहीं खाते, इसलिए मैंने, मम्मी आप छोटी प्लेट में बनाए अपने लिए, तो मम्मी लेके आई है खाना, मैंने सब्जी बनाई, मम्मी ने रोटी बना दी है, और हमें पानी सर्व करें, ये हमारा हलवा भी लेके आई है, सुबह का थोड़ा बच गया था। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पंचायत सीरीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और आप लोगों ने नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे आगे ज़रूर देखना। पंचायत सीरीज देखते देखते मैं कर रही थी वॉक, और फिर उसके बाद हस्बैंड जी ने मेरे पैरों में थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया था, फिर रात हो गई, उसके बाद हम लोग सो गए। बस आज का लोग यहीं एंड करते हैं, अगले वाला व्लॉग और अमेजिंग होने वाला है, उस व्लॉग में भी एंड तक बने रहना। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बाय बाय, हर हर महादेव।